एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने का एक सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म का विलन थैनोस। पर फिल्म देखने के बाद जैसा कि लोगों ने सोचा था कि थैनोस एक बहुत क्रूर विलेन होगा, बहुत ही डरावना विलेन होगा, उससे परे थैनोस कुछ और निकला। लोगों को मारता जरूर है लेकिन फिल्म में रो पड़ता है थैनोस। आखिर क्यों रोया थैनोस, क्यों हो जाता है इमोशनल थैनोस, सब कुछ जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के उस विलेन के बारे में जिसे हराने के लिए न सिर्फ सारे एवेंजर्स एक हो जाते हैं बल्कि गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी को भी साथ में आना पड़ता है और कई सुपर हीरोज को साथ में आना पड़ता है। यानी कुल मिला के तकरीबन मार्वल्स के सारे सुपर हीरोज आपको उसमें दिख जाते हैं, एक दो को छोड़ के। पर हालत यह होती है कि थैनोस उन सभी को धूल चटा देता है। जैसा कि थैनोस ने फिल्म के ट्रेलर में कहा था कि मैं तुम सबको बताऊंगा कि आखिर हार क्या होती है, वैसा साबित कर देता है थैनोस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। पर एक पल फिल्म में ऐसा भी आता है जब थैनोस रो पड़ता है। जी हाँ, हालांकि ये कोई स्पॉइलर नहीं है, हम आपको स्टोरी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि एक पल आता है जब थैनोस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। थैनोस किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी गोद ली हुई बेटी गमोरा के लिए रो पड़ता है। जी हाँ, और वो भी उस वक्त जब गमोरा थैनोस को उसकी हार का एहसास करवाने की कोशिश करती है, लेकिन गमोरा को ये नहीं पता होता कि थैनोस उसे सबसे ज्यादा चाहता है। वो उसे बेटी के तौर पर मानता है और गमोरा ही थैनोस के जीवन की सबसे कीमती चीज है और इसी कीमती चीज को कुर्बान करना पड़ता है थैनोस को मणि पाने के लिए, इन्फिनिटी स्टोन पाने के लिए। ऐसा थैनोस करता भी है, पर क्यों करता है, कौन सी सिचुएशन में करता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वो सही तरीके से समझ गए हैं कि थैनोस का करेक्टर है क्या। जरूर ब्रह्मांड पे राज करना चाहता है, जरूर ब्रह्मांड के आधे लोगों को मार देना चाहता है थैनोस, लेकिन थैनोस के कैरेक्टर को बहुत ही सही तरीके से दिखाया गया है। कोई ऐसा क्रूर विलेन नहीं दिखाया, कोई ऐसा विलेन नहीं दिखाया जो पागल सा हो, डरावना सा हो। थैनोस इस फिल्म का विलेन जरूर है लेकिन डरावना नहीं है। वाकई इस फिल्म का सबसे शानदार कैरेक्टर अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है थैनोस। पर आप इस फिल्म को जरूर देख के आइए और हमें बताइए कि थैनोस का कैरेक्टर आपको कैसा लगा। आखिर थैनोस रो भी तो पड़ता है इस फिल्म में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।